अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू अर्थ ऑफ नॉलेज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ को जो है एंजॉय कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्थ ऑफ नॉलेज। माय नेम इज़ ईशान अली। दिस चैनल इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन, वेयर आई शेयर मैनी टॉपिक्स रिलेटेड वीडियोज लाइक PPSC, FPSC, NTS एंड अदर रिलेटेड टॉपिक्स। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट करके कह सकते हैं। तो अभी फिलहाल जो है मैंने PPSC के पास पेपर्स और कुछ जनरल नॉलेज और इसके अलावा जो है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि PPSC, FPSC या किसी भी टेस्ट में आपसे पूछे हुए होते हैं, तो मैं यहाँ पर वो वीडियोस शेयर करता हूँ जो कि जो आप टॉपिक्स शेयर करता हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं जो कि आपको फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो जो है वो आपको मिल सके। तो आज भी इसी तरह एक जनरल साइंस का जो है मैंने टॉपिक चूज किया है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। काफ़ी दफ़ा इससे रिलेटेड जो है वो आपसे MCQs पूछे हुए होते हैं। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक है लिस्ट ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि PPSC में काफ़ी दफ़ा पूछे हुए होते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या है और ये किसके रिलेटेड, मतलब किस लिए यूज़ होता है। तो उसने PPSC में चार ऑप्शंस आपको दिए होते हैं और उसके रिलेटेड आपको लिखा हुआ होता है कि ये इंस्ट्रूमेंट है और ये किस लिए यूज़ होता है। चार ऑप्शन में आपने टिक करना होता है। तो ये काफ़ी दफ़ा आपसे पूछे हुए होते हैं और ये 20 मैंने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट चूज़ किए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, फेमस हैं, काफ़ी दफ़ा मतलब रिपीटेड हैं। ये PPSC, FPSC, NTSC या किसी भी टेस्ट में आपसे पूछे हुए होते हैं, चाहे वो कम्पिटेटिव एग्जाम हो, PPSC हो, CSS हो, PMS हो। तो इसमें जो है आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। लिस्ट ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज इन एयरक्राफ्ट फॉर मेजरिंग एल्टीट्यूड इज कॉल्ड एल्टीमीटर। एल्टीट्यूड से आपने याद रखना है, एल्टीमीटर यूज होता है एयरक्राफ्ट में। मेजरिंग एल्टीट्यूड मतलब एयरक्राफ्ट में यूज होता है किसको मेजर करने के लिए, एल्टीट्यूड मेजर करने के लिए, उनकी मेजरिंग के लिए जो यूज होता है उसे क्या कहते हैं, एल्टीमीटर। ठीक है। सेकंड जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो कह रहा है एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी स्ट्रेंथ मतलब उसकी कुव्वत या उसकी मजबूती को या उसकी स्ट्रेंथ को जो मेजर करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए जो आला यूज होता है उसे क्या कहते हैं, एमीटर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फर्स्ट क्या था, एयरक्राफ्ट एल्टीट्यूड्स, एल्टीमीटर। सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का स्ट्रेंथ जो है वो मालूम करने के लिए जो आला यूज होता है, इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे क्या कहते हैं, एमीटर। थर्ड नंबर पर है एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द स्पीड, स्पीड डायरेक्शन एंड प्रेशर ऑफ द विंड। किसका, विंड मतलब हवा की जो स्पीड, डायरेक्शन और प्रेशर जो होता है उसको मेजर करने के लिए एनेमो मीटर यूज होता है। एनेमो मीटर फॉर मेजरिंग ऑफ स्पीड, डायरेक्शन एंड प्रेशर ऑफ द विंड। थर्ड नंबर पर एनेमो मीटर है। फोर्थ नंबर पर है वो कह रहे हैं एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डिफरेंस इन हियरिंग इज कॉल्ड ऑडियोमीटर। जो हमारी लिसनिंग कैपेसिटी होती है उसको, उसके डिफरेंस मतलब हियरिंग में डिफरेंसेस को मेजर करने के लिए जो आला यूज होता है, इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको ऑडियोमीटर कहते हैं। ऑडियोमीटर, ऑडियो मतलब क्या होता है, जो आवाज होती है उसको मेजर करने के लिए, उसके डिफरेंसेस को मेजर करने के लिए जो हमारा आला यूज होता है उसे ऑडियोमीटर कहते हैं। ऑडियोमीटर से आपने ऑडियो से याद रखना है कि जो हियरिंग होती है उसमें डिफरेंसेस को मेजर करने के लिए जो आला यूज होगा वो ऑडियोमीटर होगा। ठीक है। फिफ्थ नंबर पर है वो कह रहा है एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर। जो एटमोस्फेयर होता है, आबोहवा होती है, उसमें जो प्रेशर होता है उसको
एंड कंडीशंस, उसकी जो कंडीशंस होती हैं, उसकी हालतें होती हैं, उसको मेजर करने के लिए, उसको मापने के लिए जो आला यूज़ होता है, इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, एटमोसफेयरिक प्रेशर और कंडीशंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, उसको क्या कहते हैं, बैरोमीटर या बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द एटमोसफेयरिक प्रेशर एंड कंडीशंस इज कॉल्ड बैरोमीटर। नेक्स्ट है एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। आपके पास अगर टू पॉइंट्स हैं, उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको अगर आपने मेजर करना है, उसको मापना है, तो उसके डिफरेंस को आपने जो है वो मतलब उसके जो उनमें जो फासला है उसको आपने मापना है, तो उन टू पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आपने मापना है तो उसको क्या कहेंगे, उसके लिए मतलब जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, आला यूज होगा, उसे वोल्ट मीटर कहते हैं, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। सेवन नंबर पर है, वो कह रहे हैं एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मैग्नीफाइड व्यू ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। जो आपके डिस्टेंट मतलब दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी मैग्नीट्यूड को, ये एक ऑप्टिकल आला होता है, मतलब ऑप्टिकल रिलेटेड टू आईज, हमारी आंखों के रिलेटेड जो होता है, ये एक ऐसा आला है जो कि हमारी आईज से रिलेटेड है और यूज फॉर मैग्नीफाइड व्यू ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब उसके मैग्नीफाइड व्यू ऑफ डिस्टेंट, दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मैग्नीफाइड व्यू जो है उनको अगर आपने मेजर करना है, उनको मापना है, तो उसके लिए कौन सा यूज होगा, इंस्ट्रूमेंट या आला, बिनोक्यूलर्स, बिनोक्यूलर्स, ठीक है। एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मैग्नीफाइड व्यू ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बिनोक्यूलर्स। नेक्स्ट है आठवें नंबर पर, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ वायर, ट्यूब और रॉड। आपके पास वायर है, तारे हैं, ट्यूब, ट्यूब्स आपको पता ही है, जो लाइक अगर आप लाइट्स कह लें उसकी ट्यूब है, या कोई भी ट्यूब हो सकती है, उसका डायमीटर, या फिर रॉड, रॉड होता है उसकी जो आपने डायमीटर जो है उसको मापना है, उसके अंदरूनी सरफेस को मापना है, तो उसके लिए आपने क्या यूज करना है, कौन सा आला यूज करना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, कैलिपर। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ वायर, ट्यूब और रॉड इज कॉल्ड कैलिपर। नाइन नंबर पर है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर क्वांटिटीज ऑफ हीट। अगर आपने मेजर करना है क्वांटिटी ऑफ हीट, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर क्वांटिटीज ऑफ हीट इज कॉल्ड कैलोरीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है टेन नंबर पर, एन अपरेटस यूज फॉर चार्जिंग एयर विद पेट्रोल वेपर इन एन इंटरनल कंबस्शन इंजन इज कॉल्ड कार्बोरेटर, ठीक है। अगर आपने एक आला मतलब यूज करना है किसके लिए, चार्जिंग एयर विद पेट्रोल वेपर, अगर आपने चार्ज करना है एयर विद पेट्रोल वेपर के साथ इन एन इंटरनल कंबस्शन इंजन को, तो फिर क्या यूज करते हैं, कार्बोरेटर, ये उसमें यूज होता है आई थिंक व्हीकल्स वगैरह में, कार्बोरेटर उसमें यूज होता है। नेक्स्ट है 11 नंबर पर, एन ऑपरेटर्स यूज फॉर प्रोजेक्टिंग पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन। अगर आपने प्रोजेक्ट करनी है मतलब पिक्चर्स को शो करना है, पिक्चर्स को चलाना है, पिक्चर्स को दिखाना है किसी को, उसके लिए कौन सा आला यूज करेंगे, इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, ऑपरेटर्स यूज करेंगे, साइनमाटोग्राफ, साइनमाटोग्राफ, ठीक है। एन अपरेटस यूज फॉर प्रोजेक्टिंग पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड साइनमाटोग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट है, एन अपरेटस यूज फॉर एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन। एन अपरेटस एक आला यूज फॉर एक्सेलरेटिंग होता है उसको बढ़ाना, चार्ज पार्टिकल, जो आपके पास चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको असलेट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, आला यूज होता है, उसे क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन, ठीक है।
नेक्स्ट है डेटा प्रोसेसिंग मशीन यूज टू परफॉर्म लार्ज एंड कम्प्लेक्स कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द यूजर इनपुट इज कॉल्ड कंप्यूटर। जो कंप्यूटर होता है उसमें आप क्या करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग करते हैं। मशीन होती है ना एक, यूज टू परफॉर्म लार्ज बहुत बड़े एंड कम्प्लेक्स पेचीदा कैलकुलेशन, जो आपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी होती है बेस्ड ऑन द यूजर इनपुट। अगर आप खुद यूजर हैं, अगर आपने कोई प्लस करना है तो वो आप कमांड्स जो है वो इनपुट करेंगे तो आपके पास कंप्यूटर जो है वो आपके पास उसके रिजल्ट शो कर देगा, तो उसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर। नेक्स्ट है एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगर आपने किसी आदमी की ह्यूमन बॉडी जो है उसका टेम्परेचर जो है वो यूज मतलब आपने मेजर करना है, टेम्परेचर को मापना है किसका, किसके टेम्परेचर को, एक इंसानी जिस्म के टेम्परेचर को मापना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, थर्मोमीटर। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड थर्मोमीटर। A device which converts mechanical energy into electrical energy is called dynamo. अब एक device है जो कि convert करती है mechanical energy into electrical energy, उसे dynamo कहते हैं, उसे battery भी कहा जाता है। A device which converts mechanical energy into electrical energy is called dynamo. An instrument used for measuring electrical potential differences. अगर आपने मेजर करना है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंसेस को तो उसके लिए आप इंस्ट्रूमेंट या आला क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रोमीटर। ठीक है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमीटर। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। अगर आपने डिटेक्ट करना है, फाइंड आउट करना है द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, अगर आपने इलेक्ट्रिक चार्ज को मतलब देखना है कि वहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके लिए आपने आला या इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। 18 नंबर पर इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है तो उसे क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो आला या इंस्ट्रूमेंट या अपरेटस यूज होता है उसे क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट है एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग डेप्थ ऑफ द ओशियन इज कॉल्ड फैथोमीटर। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग डेप्थ ऑफ द ओशियन, अगर आपने ओशियन जो है उसकी गहराई को मापना है तो उसके लिए जो आला यूज होता है, इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, अपरेटस यूज होता है, उसे क्या कहते हैं, फैथोमीटर। An instrument used for measuring depth of the ocean is called fathometer. Last one हमारे पास 20 नंबर पर है, instrument used for relative density of liquid is called hydrometer. ये काफी दफा जो है PPSC में इन्होंने पूछा हुआ होता है कि अगर आपने जो है instrument use करना हो और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मापना हो तो उसके लिए जो आला यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोमीटर यूज होता है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड हाइड्रोमीटर। मैं आपको ये बताता चलूँ कि कौन कौन से पीपीएससी में आए हुए हैं हाइड्रोमीटर और कौन कौन से हमने डिस्कस किए हैं। हाइड्रोमीटर काफी दफा पूछा हुआ है, फैदोमीटर हमने डिस्कस किया, गैल्वेनोमीटर ये काफी दफा पीपीएससी में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्कोप, ये भी पूछा हुआ है पीपीएससी में, इलेक्ट्रोमीटर, डायनामो या बैटरी, बैटरी से रिलेटेड जो है वो काफी दफा पीपीएससी में पूछा हुआ है, थर्मोमीटर भी पूछा हुआ है, कंप्यूटर ये तो आपको पता ही होता है कि अगर एक मशीन है जो कि कैलकुलेशन वगैरह के यूजर इनपुट बेस पे जो आपको रिजल्ट देती है वो कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है,
और जो 12 नंबर पर हमने डिस्कस किया वो साइक्लोट्रॉन था, ये पीपीएसटी में नहीं पूछा हुआ। साइनमेटोग्राफ ये जो है काफी दफा पीपीएससी में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है कार्बोरेटर, ये भी पूछा हुआ है, ये हमने डिस्कस किया। कैलोरीमीटर, ये भी पूछा हुआ है कि मैयर आपने करनी हो क्वांटिटीज ऑफ हीट, आपकी कितनी कैलोरीज जो है वो बर्न हो रही हैं, तो वो कैलोरीमीटर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कैलिबर्स, हाँ जी ये भी काफी दफा पूछा हुआ है कि वायर ट्यूब और रॉड की जो डायमीटर्स होता है उसको मापना हो तो क्या यूज होता है, कैलिबर। बैनिक्यूलर ये भी हमने डिस्कस किया। वोल्ट मीटर, बैरोमीटर, हाँ ये काफी दफा पीपीएससी में पूछा हुआ है कि एटमोस्फेरिक प्रेशर को अगर आपने मेजर करना हो तो कौन सा आला यूज होता है, बैरोमीटर। आर्डियोमीटर हमने डिस्कस किया, हाँ जी ये एनेमोमीटर, ये काफी दफा पूछा हुआ है कि स्पीड, डायरेक्शन, प्रेशर और विंड अगर आपने मेजर करनी है तो उसके लिए कौन सा आला यूज होगा, एनेमोमीटर। नेक्स्ट सेकंड जो हमने डिस्कस किया एमीटर, ये भी काफी दफा पूछा हुआ है पीपीएससी में, जो कि यूज होता है स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। फर्स्ट वन हमने डिस्कस किया एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एयरक्राफ्ट, हाँ जी ये भी काफी दफा पीपीएससी में पूछा हुआ है कि एयरक्राफ्ट की एल्टीट्यूड मेजर करने के लिए अगर आप आला यूज करें तो वो उसका नाम क्या होगा, एल्टीमीटर। तो ये हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज या 20 इंस्ट्रूमेंट या ऑपरेटर्स थे, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट थे जो कि काफी दफा आपसे पीपीएससी में पूछे हुए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये 20 के 20 अगर आपसे आपको याद होते हैं तो इसमें से इंशाल्लाह आपके 2 से 3 एमसीक्यू कंफर्म जो है वो आपके करेक्ट होंगे। तो दुआ में याद रखिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ भी शेयर किया करें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। दुआ में याद रखिएगा, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो जब आपको मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।